हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्क्वाड। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं कंट्रोवर्सी 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 का रोस्ट। लक्ष्य चौधरी ने बनाई है वीडियो। होते लक्ष्य चौधरी, रॉयल रंबल ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंसर, मींस एक तरीके से रोस्ट ही हो रहा है जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है। मुझे तो समझ भी नहीं आया क्या हुआ, होके खत्म भी हो गया। और वो नहीं, बाकी भी कर रहे हैं फालतू के झगड़े, नाम नहीं लेंगे। जानबूझ के करते हैं ना ताकि फेमस हो। क्या है? अब हमारा भी हो गया झगड़ा। करें स्टार्ट। डर गई नहीं ना। मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। मैं रात तक हूँ यार, रात तक का टाइम दे रहा हूँ भाई। तो भाई मेरी 36 बिरादरी को मेरी राम राम है। मैक्स 10 वर्सेस एलविश, रजत दलाल वर्सेस मल्टीपल, रजत दलाल वर्सेस राजवीर सिसोदिया। मतलब पिछले हफ्ते में जितने सारे भी लफड़े हुए उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो अंबानी जी का हुआ ही, उनकी 900 करोड़ की पीआर खराब हो गई। बाकी दूसरी तरफ अच्छा ये हुआ कि हमें सभी लोगों की बिरादरी पता चल गई, मतलब जितने लोग भी इस लड़ाई में एक दूसरे के सपोर्ट में आए सबने अपना सपोर्ट तो दिखाया ही, साथ साथ में अपनी जाति भी बताई। हिंदू हिंदुस्तानी सो ओल्ड स्कूल यार, मुझे मेरी जाति से बुलाओ। 36 बिरादरी तक का सपोर्ट तो ठीक था, पर दिक्कत तब हो गई जब इस लड़ाई में 37वीं बिरादरी भी आ गई। हैशटैग अंजलियंस। अंजलि अरोरा का ऐसा लग रहा है कि उसको जितने लोग फॉलो कर रहे हैं ये उसके कट्टर आर्मी है जिसको उसने नाम दिया है अंजलियंस। अंजलि का अकॉर्डिंग ये जो दुनिया है ये अंजलियंस है और हम इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हें पता नहीं है जिसको अंजलियंस का सपोर्ट है ना इस टाइम, वो सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कितने भी गलत काम कर सकते हैं, उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, किसी को पीट दे कुछ भी कर दे। अंजलियंस का सपोर्ट मतलब मैटर एक तरफा। मैंने ट्वीट किया प्राउड अंजलियंस, मेरी खुशनसीबी देखो तुम कि मुझे अंजलियंस की लीडर ने स्वयं को ट्वीट किया, नाउ आई एम द ऑफिशियल मेंबर ऑफ द क्लैन अंजलियंस। अंजलि जी, इंसान काटने वाला कुत्ता पाल ले सोसाइटी झेल लेती है, पर गलत फहमी आपने तो वही पाल ली। भाई साहब, जिस हिसाब से ई लफड़े चल रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं हमारे कोर्ट में इतने केस पेंडिंग पड़े हैं उतने केस पेंडिंग पड़े हैं, भाई इन केसेस को कोर्ट से निकालो और जरा तुम सोशल मीडिया पे शिफ्ट करो फटाफट। 2 दिन के अंदर सोल्व ना हुए तो मेरा यूजर नेम बदल देना, और किसी जज वज के सामने नहीं केस सोल्व होंगे, इंटरनेट के केस होंगे 36 बिरादरी के सामने सोल्व। इंस्टाग्राम लाइव पे समस्त भाईचारा डिसीजन लेगा। 2017-18 में सच में इंटरनेट बहुत टफ था, पहले तो आदमी 4-5 दिन कंटेंट सोचता था, 2-3 दिन उसको लिखने में लगती थी, उसके बाद एडिट करो ये करो वो करो, तब जाके 7-8 मिनट का कंटेंट रेडी होता था। अब तो तुम देख लो हर रोज 1-1 घंटे की लाइव मिल रही है तुम्हें देखने को। एआई ने सच में आसान तो कर दिया सब कुछ, साथ में तुम्हें जो ये रील और स्टोरीज देखने को मिल रही है ये बोनस है। मेरा एक विदेश का दोस्त है निचेट, कल मुझे उसका वॉइस नोट आया कि लक्ष्य भाई ये 36 बिरादरी का सपोर्ट लेने के लिए मुझे कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी इंटरनेट के लफड़े में शामिल होना है। भाईचारा ऑन टॉप। ये सोशल मीडिया गैंग वॉर देख के तो खुद मोदी जी शोक में चले गए, कह रहे इन्फ्लुएंसर तो ठीक है फिर भी कमा रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, पर इन लोगों का क्या जो अपने एग्जाम की तैयारी छोड़ के, जो अपने ऑफिस का काम छोड़ के हर नए अपडेट पे पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब ये लाइव आएगा, वो लाइव आएगा, अब इसकी रील आ गई, अब उसकी स्टोरी अपडेट आ गई, कल को यही लोग सरकार नौकरी नहीं दे रही का ताना मारेंगे। ये लड़ाइयां 14-15 साल के बच्चों के अंदर इस कदर चढ़ गई हैं। अभी मैं बाहर निकला, एक बच्चा मुझे कह रहा भैया कम से कम 2 महीने का राशन लेके घर में घुसना। मैं क्या हो गया भाई, कह रहा बस वॉर होगी इसके बाद इमरजेंसी लेगी। मैं बता तो क्या हुआ, कह रहा भी एक ट्रक भर के ट्राईपोड और रिंग लाइट गई है इस तरफ, कम से कम 6-7 दिन लगातार लाइव पे लफड़ा चलेगा। कंपटीशन खेलो, बढ़िया करो, और सिंगा भी अपना भाई कोई नहीं माफ कर दो यार, माफ भाई करने देख वाला रहे हो मेरे बड़ा सिंगल होने का कितना फायदा हुआ सबको। अगर मैं कमिटेड होता तो मैं ये सब नहीं करने देती ना बंदी। देखो अगर तुम सिंगल हो या तो तुम ऐसे लफड़े करोगे या तुम लाइफ में समझना चाहोगे तुम अपने परफेक्ट वन से कब मिल रहे हो और वो कैसा होगा। और रोज रोज के छोटे छोटे प्रमोशन से छुटकारा। मैक्सटन अपना मेडिकल करवा रहा था, उसको कोलेबरेशन के लिए फोन आने शुरू हो गए। 1MG वाले कह रहे हैं सर हम आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, जब भी आप अपनी चोट दिखाओ ना इस लफड़े में तो बताना कि दवाई हमारे यहाँ से ही ली है। मुझे तो लग रहा है मैक्सटन ने अपना इलाज भी अपोलो के साथ बार्टर कोलैब में ना करा लिया हो। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी ना वो है कॉम्प्रो का तरीका। मैक्सटन का झगड़ा भी खत्म हो गया और साथ में गाना भी मिल गया, हो ना हो कल को बिग बॉस में मिल जाएगा। लोगों के करियर बनते होंगे मेहनत से, मैक्सटन का तो CP+ से बना है। और जितने फिटनेस क्रिएटर लड़ रहे हैं ना आजकल इंस्टाग्राम पे, मुझे पक्का लग रहा है कोई ब्रांड अपना नया प्रोटीन लॉन्च करने वाली है। और लोगों को CID बनने का तो भाई ऐसा शौक है इंटरनेट पे, ऐसा शौक है मतलब अता पता कुछ नहीं है। भाई मैक्सटन का तो गाना आ गया, अब भाई इनका तो ये स्क्रिप्टेड था, ये तो उसके गाने में फीचर हो रहा है। भाई ये सारे बॉडी बिल्डर्स तो कोका कोला पी रहे हैं अपनी लाइव में, ये तो लड़ाई वाली लाइव में कोका कोला पी रहे हैं, सारे कैसे पी रहे हैं एक साथ भाई, पक्का ये सब स्क्रिप्टेड। हाँ भाई तुमने पता लगा लिया, भाई तुम तो बहुत स्मार्ट निकले भाई। आदमी इंटरनेट पे एक बात एक्स्ट्रा बता के खुद को ऐसा समझेगा एकदम CBI और RAW का जमाई, भाई कनेक्शन बिठा दिया मैंने तो डॉट से डॉट कनेक्ट कर दी, लो खुलासा। अबे जरा जरा सी चीज है तो तुम इंटरनेट पे मैनिपुलेट हो जाते हो, फिर कहते हो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे। अब लोग मेरे से पूछ रहे हैं भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस लड़ाई में, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो उस लड़ाई में। देखो भाई जितने भी अब तक लफड़े हुए ना पिछले एक हफ्ते में, तुम इन सबकी ID में जाके देख लेना, तुम्हें एक ही बंदा कॉमन मिलेगा वो मैं। तो भाई मेरा सपोर्ट तो है मोदी जी को 2024 के लिए। मुझे
जिन्होंने कभी गाँव की कस्बों की लड़ाई नहीं देखी। भाई गाँव देहात पे जाओ तुम, हर रोज यही होता है, दो पक्ष आपस में लड़ते हैं, 20-20 लौंडे एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, उसके बाद एक आदमी आता है, उनका फैसला करा देता है, सब अपने घर जाके सो जाते हैं, अगले दिन उठ के वापस से कंटिन्यू, अब किसी और की लड़ाई। ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। हाँ, इंटरनेट पे पहली बार ऐसा हुआ है तो तुम्हें लग रहा होगा वाओ भाई वाओ वाओ गैंग सोबासीपुर, भाई भाई गैंग वॉर हो गई, भैया लफड़ा, भैया माफिया, इंटरनेट पे माफिया आ गए, आज तो फुल लफड़ा देखने को मिलेगा। भाई भाई इंस्टाग्राम खोल ले। देखो मुझे बताते हुए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन भाई कोई लफड़ा नहीं होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कहीं ऐसी मारपीट की वीडियो आएगी जैसे पिक्चरों में आती है ना, धू धा धुस धुस खून वून निकल रहा होगा, ऐसा पड़ा हुआ यार पूरा लाइव चल रहा होगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो बचपन से जिस शहर में रहा हूँ, मुजफ्फरनगर, उसको टाइटल मिला हुआ है द क्राइम सिटी का, वहाँ बहुत हमने ऐसे मैटर देखे हैं, कुछ नहीं होता। और जिसको सच में मारना होता है ना, वो कहीं इंटरनेट पे बता के आदमी, किसी और आदमी को बता के नहीं आता कि मैं उसको मारने जा रहा हूँ, इंटरनेट पे बता के तो कोई किसी को वैसे ही मारने नहीं जा सकता। 10 मिनट देते मेरे को, बस 10 मिनट पहुंच रहा हूँ, अभी निकल गया हूँ यहाँ से, और तुझे पता है सपोर्ट है किसका मेरे पास, ये तेरे को बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा बेटे। अब हो गया भाई दिमाग खराब, अब पानी सर से चला गया, सर से ऊपर चला गया पानी। मैं खड़ा हूँ सेक्टर 95 में, बकचोदी बिल्कुल नहीं चाहिए, सेक्टर 95 में लोकेशन भी डाल दी यहाँ, ठीक है, जिसे लेके आना है अपने भाई बंधु को, अपने पूरे समाज को, 4 लड़के 10 लड़के 20 लड़के अकेला खड़ा मिलूंगा यहाँ, सारी अपडेट इंस्टाग्राम पे डाल लूंगा, भले ही मेरे पास तेरा व्हाट्सएप नंबर हो, यही डलेगी सारी। स्प्रिंग रोल खा रहा हूँ तेरे ही क्षेत्र में, आजा ना, आजा। अबे ये देख मूंगफली खा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, तू आजा, आजा। तो मना किसने करी, आजा ना मेरे भाई, यही बैठा हूँ, आजा 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 आजा। ये रहा मेरे पीछे 95 का चौक, तू आजा ना। तो भाई मैं खड़ा हूँ सेक्टर 96, तेरी गलती है भाई, मेरी कोई गलती नहीं, तू आ जा ना यहाँ, तू आ जा, अपने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के बाहर हूँ, आ जा ना। हाँ तो आ जा ना, यही खड़ा हूँ पार्क में बैठा हूँ, पार्क में, तू आवेगा। बकचोदी तो करे मत ना, नंबर है तेरे पास, लोकेशन है तेरे पास, बस दम नहीं है। सुपरमार्केट में हूँ, अगले 2 मिनट यही रहूंगा, आ जा आजा आजा भाई, कर रहे तेरा इंतजार, यही खड़ा हूँ, आजा आजा फटाफट आजा, तू आ तू, बाहर ही खड़ा हूँ, आजा ना भाई, कितनी देर में आ रहा है, कमरा ले लिया होटल में, लोकेशन तेरे पास है, आजा दम है तो, आजा आजा अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आजा। ये सब सीधे सीधे क्लाउड चेजिंग के लिए होता है। इस ऑनलाइन दंगेबाजी में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ना, तो वह पेट्रोल पंप ओनर्स, क्योंकि 50-60 लड़के इधर से उधर बस गाड़ी घुमाए जा रहे हैं। ये सब होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि 9-10 के मैच्योर बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में जा जाके प्रोवोक करते हैं, भैया भैया जाट पावर दिखा दो, भैया जय राजपूताना, भैया यादव समाज की पावर दिखा दो, और ये इन्फ्लुएंसर उनको सीरियस लेके वापस एक दूसरे को पोक करना शुरू कर देते हैं, फिर वापस लड़ाई शुरू। अब जिस तरह से इंटरनेट पे आफत कटी हुई ना पिछले एक हफ्ते से, भाई ये ईगो ईगो फाइट में अगर कोई मरवर गया, किसी को कुछ हो गया ना, तो कोई समाज नहीं आने का जेल से छुटाने, सारे समाज वाले कल सुबह अपने अपने काम पे निकल जाएंगे, और थाने के बाहर सिर्फ एक ही बिरादरी खड़ी होगी, वो है आपके पिताजी। मैं तो भाई सारी पार्टीज को, जिनसे भी मेरी जितनी बार भी बात हुई, उन्हें समझा समझा के थक गया कि भाई सबसे कुछ हासिल नहीं होना, मैं भी पिछले 6-7 साल से इंटरनेट पे हूं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी, बहुत सारी लड़ाई हो चुकी, इसका एंड कुछ नहीं होता। और अगर तुम इस फाइट को फिजिकल फाइट में कन्वर्ट करके बाहर जा रहे हो तो क्या होगा, मतलब किसको प्रूव करो? मानो चलो तुमने चढ़े चढ़ाई में किसी को मार भी दिया, सामने वाला मर गया, फिर क्या प्रूव हो गया? ये इंटरनेट को 2 दिन याद रखता, उसके बाद नहीं याद करता। फिर तुम इंटरनेट से चले जाओगे तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट होगा या फिर तुम्हें जेल हो जाएगी। तो कौन सी हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट मिल जाएगी तुम्हें? वो कौन सी दीवार है ऐसी जो सरकार ने बनाई हुई कि वहां तुम्हारा नाम आएगा कि भाई इसने एक बार इंटरनेट पे बहुत अच्छी लड़ाई की थी? भाई कौन तुम्हारी तारीफ करेगा? ये जितने लोग आज मजे ले रहे हैं ना लाइव पे बैठ के, कमेंट सेक्शन में बैठ के, ये पीठ पीछे सब कुछ बोलते हैं, इनमें से कोई भी तुम्हारी लड़ाई जीतने पे अगर तुमने कहीं गोली वोली चला दी, किसी को मार दिया, तो कहीं अपने बाप के नाम के आगे आधार कार्ड में तुम्हारा नाम नहीं लिखेंगे? अगर इंटरनेट पे तुम किसी को प्रूव करने के लिए अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के गुंडागर्दी करने निकले हो, तो भाई फिर तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई है नहीं। सोशल मीडिया को आप जब भी एज अ व्यूअर या एज अ कंटेंट क्रिएटर चलाओ ना, तो वो इंटरनेट का बटन ऑन करते ही सोच लो कि अब आप एक फ्रॉडो की, एक स्कैमर्स की दुनिया में घुस गए हो। यहाँ पे कुछ भी असली नहीं है, सब नकली दिखावटी, सब अपना बेस्ट, अपना पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जो उनकी लाइफ का 0.00001% है। जिन लोगों को अभी लड़ाई में मजा आ रहा है ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें भी 4 दिन बस ये लड़ाई अच्छी लगेगी, उसके बाद तुम भी इरिटेट हो जाओगे, तुम कहने लगोगे इनको तो रोज का यही काम।
काम है। आजकल तो सच में ट्रेंड पे ट्रेंड चल भी रहा है, फुल हवाबाजी का, गैंगस्टर बनेगा, माफिया खुद को दिखाने का, कट्टे बंदूकों की बातें करनी, स्टोरी पे धमकी देनी हो रही है। जो बच्चे डीपीएस में इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं इनको लगता है भैया यो क्रिएटर तो गैंगस्टर है भाई। भाई इतने सब गैंगस्टर है, इतने सब कैपेबल है कि किसी के घर कोई जाके कुछ करेगा ना वो उसको सबक सिखा सकते हैं। बट ये है कि बाकी लोग बहुत मैच्योर है, बाकी लोगों को शाहरुख खान बनना है और जो ये गैंगस्टर बने घूम रहे ना इन्हें शायद बड़े हो गए शाहरुख खान का बॉडीगार्ड बनना। आप खुद बताओ यार, आप एक स्मार्ट इंटेलिजेंट थोड़ा विटी पर्सनालिटी लेके डोनाल्ड ट्रंप बनना चाहते हो या फिर आप बस हर वक्त लड़ाई झगड़े कर करके खा के लड़ाई झगड़े कर करके खा के डोनाल्ड ट्रंप का बॉडीगार्ड बनना चाहते हो? अब पता होगा ना स्टेटस किसका बड़ा है, कौन किसके इशारे पे चलेगा। अरे भैया वो तो अपनी इंस्टा स्टोरी पे पिस्टल ले रहा थे। अरे भैया वो तो एकदम यूं कह दे कि भाइयों पे बात आ गई तो यूं कर देंगे, बहुत खतरनाक है भैया वो क्रिएटर बाद में, भैया वो गैंगस्टर पहले। भाई सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि गैंगस्टर्स को इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं आता। जो रियल लाइफ गैंगस्टर हैं वो तो स्मार्टफोन भी नहीं चलाते। असली गैंगस्टर तो खुद आजकल अपने आप को गैंगस्टर कहने को तैयार नहीं है, वो खुद डरे घूम रहे हैं। ये नए नवेले बच्चे हैं शहरी बेचारे, जिनके माँ बाप ने इनकी पढ़ाई में बहुत खर्चा किया है, जिन्हें ऑनलाइन गैंगस्टर देखने हैं, गैंग वॉर देखनी है। भाई अगर गैंगस्टर ही देखना है तो पापा को बोल के संडे जेल में चला जाएगा मीट एंड ग्रीट करने, वहां पे रियल लाइफ गैंगस्टर मिलेंगे तुम्हें, ये शौक भी पूरा हो जाएगा उन्हें देख के। सोशल मीडिया खोल रहे हो किसी क्रिएटर को देखने के लिए तो ऐसे को तो देखो जो कोई कुछ क्रिएट करता हो। क्रिएटर का मतलब क्या है? क्रिएट करना, वो उसके अंदर कुछ टैलेंट हो, उसके अंदर कुछ आर्ट हो। बाकी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है भाई हम लोगों को। हमारी ब्रीड बहुत खराब है, हम मतलब एक नंबर के क्लाउड चेजर्स हैं। हमें रीच और एंगेजमेंट का पता चल जाए ना कहीं से मिलेगी, हम उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा सीरियस मत लो, भाईचारा ऑन टॉप स्टोरी में लिखना बहुत अच्छा लगता है, बट यही जो भाई है ना आसपास वाले यही पंगे क्रिएट करा के उसके बाद फोन भी नहीं उठाते। फिर एंड में दो ही भाई बचते हैं, एक आप और एक आपके पिताजी, और एक तीसरा भाई भी बचता है वकील साहब, जो हर हियरिंग में भाईचारा निभाने के लिए पैसे लेंगे। ये बस थोड़ी देर का फालतू का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, ये वो कंपटीशन चल रहा है कौन एक दूसरे की माँ बहन को सबसे ज्यादा गाली बक सकता है ऑनलाइन। कहीं देखा तुमने 50-50 लोंडो के पीछे मुक्का बजता हुआ? कहीं नहीं होता भाई, बस रॉयल रंबल में देखा तुमने स्क्रिप्टेड, कहीं नहीं होता। हर जगह सबको पता है कॉम्प्रो ही होना है। फिलहाल इंस्टाग्राम एक अच्छा खासा थोड़ा कम पढ़ा लिखा सा गाँव बना हुआ है, ये वही माहौल है जो एक्चुअली गाँव में चलता है। और बच्चों को लग रहा है कि मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर जितना ऑनलाइन बोल रहा था वो उतना IRL कब करके दिखाया, भाई वो IRL भाई वो रियल लाइफ में कब करते हैं, भाई मैं उसकी लाइफ पे देख रहा हूँ, भाई मैं उसकी स्टोरी अपडेट देख रहा हूँ, वो कब जाके ऐसे कर देगा। बट आई एम सॉरी किड्स, मतलब आई एम रियली सॉरी, आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलती है ना, वैसे ही ऑनलाइन गैंगस्टर्स का एक कार्ड होता है कास्ट कार्ड। भाई तुमने लड़ाई कौन सा किसी कास्ट वाले से पूछ के की थी? एप्लीकेशन थोड़ी डाल ली थी अपने समाज में कि भाई मैं लड़ाई करने जा रहा, अगर अप्रूवल दोगे तो ही करूंगा। जब लड़ाई तुमने अपने पर्सनल बिहाफ पे कर ली तो भाई अपनी पर्सनल लड़ाई को पर्सनल रखो ना। 36 बिरादरी को तो भाई बहुत काम है, जितने लोगों में जान रहा 36 बिरादरी में उन्हें हर सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए खाना कमाने जाना है, ताकि उनके बच्चे अच्छा खा सके, अच्छी जगह पढ़ सके, और अच्छी जगह पढ़ के इतनी समझ आ जाए कि इंटरनेट पे क्या देखना है क्या नहीं देखना, कि ये तो बिल्कुल नहीं देखना। पापा हमारे समाज ने इतना पैसा तो कमाया है, मुझे इतने अच्छे स्कूल में तो पढ़ाया है कि मुझे पता है मुझे ये नहीं देखना। मेरी तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, इतनी मेरी लड़ाई हुई है इंटरनेट पे। भाई मैंने तो एक अपना सीधा सा रूल बनाया हुआ है, मैं इन किसी की स्टोरीज से, किसी के टैग से, किसी के ऑनलाइन बोलने से मैं प्रोवोक होता ही नहीं। मेरा गुस्सा इतना वीक है ही नहीं कि वो दूसरे के दिलाने से मुझे आ जाए। ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि है बहुत मोटी, इस पे बहुत मोटी खाल चढ़ी हुई। कोई कैसी भी गाली दे लो, मुझे कोई आगे कहता है भाई तुझे माँ की गाली दे, कोई तुझे बहन की गाली दे रहा था, भाई देन दे। जिस दिन मेरे सामने आगे दे देगा ना, मैं उस दिन बता दूंगा। इंटरनेट पे तो किसी को कोई रोक ही नहीं सकता, इनफाइनाइट है। तो एक ही बंदा 10 ID बना के देगा, क्या करेंगे अब? क्या मैं हर किसी को गाड़ी लेकर ढूंढता फिरूंगा? फिर तो मैंने उसका पर्पज सर्व कर दिया ना। जिस दिन कोई मेरे घर के बाहर आ जाएगा, जिस दिन कोई मुझे सामने से गाली दे देगा, उस दिन मैं उसको दिखा दूंगा कि मैं कैसे हिसाब किताब कर सकता हूँ। बाकी ऑनलाइन मुझे कोई कितना ही प्रोवोक करे, कितना कोई ट्रिगर करे, कोई मुझे कैसी ही गाली दे दे, मैं तो गाली भी कैटेगराइज नहीं कर रखी। मेरे लिए तो सारी गाली बराबर है भाई, तुझे साला बोलना, तुझे उससे भी भयंकर गाली देनी, दे दे। इंटरनेट नंगों का शहर है और मैं इंटरनेट पे उसी मेंटेलिटी के साथ जाता हूँ। अगर मुझे तो कोई इंटरनेट पे ये भी बोल लेना कि मैं बदमाश हूँ, मैं तो 100 बार बोल दूं, मैंने कहा हाँ भाई तू बदमाश, तू सबसे बड़ा बदमाश, तेरी वजह से तो हम इंटरनेट पे टिक रहे हैं भाई, तेरा सपोर्ट है हमें, बहुत अच्छा है भाई, गुड फॉर यू। तुम मेरे को रियल लाइफ में बदमाशी दिखाओ ना, तब निपटेंगे हम अपने हिसाब से। बाकी कोई मेरे से डिजिटली या कहीं मेरे से ये कहलवाता हो कि भाई वो गॉड फादर है, तो भाई मैं तो 100 बार कह दूं हाँ भाई तू गॉड फादर है, तू बहुत बड़ा है, मुझे मेरा मेंटल पीस बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, रोज तुझे गॉड फादर बोल लूंगा, तू वैसे खुश, तेरी ही को वैसे खुश, मैं पैसे कमा के खुश। तो बेवकूफ को तो भाई 100 बार बोल दो जो भी उसे बुलवाना है। ऐसे लड़के झगड़ के इंटरनेट पर कुछ प्रूव करके कि मैं कहीं के किंग बन जाएंगे, कुछ ना होता भाई, कोई याद ना करता, सब बेवकूफी, बता मैं पीछे। होशियार वही है जो अपना सीधे मुंह निकल गया, पैसे कमा लिए, ऊपर पहुंच गया और सबसे बढ़िया शांति कमा ली। तो गाइस ऐसे ही सुविचारों के लिए मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे @lakshyaonly फॉलो कर सकते हो। और अभी भाई तुम्हारे ऊपर है, बोर्ड के एग्जाम तो शायद खत्म हो गए जिन बच्चों के थे, तुम्हें अभी भी लफड़ा देखना है देखो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमने
लड़ाई में भी जितने लोगों को फॉलो किया है उनका कोई कंटेंट है, वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ सिखा रहे हैं, बस उतना ही देखो। इससे ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ, पर्सनल लड़ाई फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रोवोकिंग से मे भी भाई किसी का बच्चा बच्चा ही चला जाए, ठीक है। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है कि दो समाज तीन समाज आपस में लड़ रहे हैं, भाई जिन माँ बाप का कुछ हो जाएगा, जिस बेचारे का चोट वोट आ जाएगी, उसे कौन सा समाज ठीक कराएगा, उन्हें कौन बच्चा ला के देगा। और तुम मेरे को ब्लॉग चैनल पे एट लक्ष्य चौधरी ब्लॉग्स फॉलो कर सकते हो। हाँ, दो तीन दिन से ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि यही लफड़े से नहीं निपट रहे थे भाई इंटरनेट पे लोग, तो क्या ही ब्लॉग डालते। खैर, मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में। ये जो इंटरनेट पे किसी किसी की आईडियो में आके गाली वाली बक के जाते हैं ना, ये सामने से मुंह नहीं दिखाते हैं भाई। और फिर पता है इन सबको सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं है। ये जो कमेंट में उनके बंदा तुम्हें जला जला के चला जाएगा और तुम जलते रहोगे। अपनी अपनी पीस ज्यादा प्यारी है। बेकार होते हैं वो बंदे सबसे ज्यादा ना, जो दूसरों के कमेंट में जाके इतना बकवास करते हैं और पता और नहीं। देख, हर जगह पे ऐसे लोग आएंगे, रियल जिंदगी में भी तुम्हारे कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी बोल के चल जाएंगे। ये थोड़ा ना कि हर किसी को पकड़ पकड़ के जवाब देते रहना है। अब जैसे अपना रियल लाइफ में पीठ पीछे बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे जब तुम ऑफलाइन होते तब बोलते तो फालतू में क्यों ही लड़ना। सही क्या रहा है वो कि भाई तुम समाज समाज करो सच्ची में कभी, ठीक है तुम समझदार हो, तुम भी समाज, ठीक है वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है उन दोनों को पता है ना सामने वाला कुछ करने वाला ना मैं कुछ करने वाला हूं। लेकिन जो 16 17 18 साल के बच्चे हैं जो उन्हें देखकर बढ़ रहे हो इन्फ्लुएंस होते हैं, सीरियस हो जाते हैं। हाँ, और इतने गंदे तरीके से लड़ते हो स्कूल कॉलेज के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये जो इतने बड़े बड़े ये जो अपनी अपनी जातियों का लेकर बोलते हैं ना, ये हम क्या कर लेगा तू, ये कुछ नहीं करते। हाँ, ये सिर्फ इतना बोल के वो, अब इससे जो बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं ना बाहर सड़कों पे ऐसे लड़ रहे थे चाकू छुरी ब्लेड लेके, गंदे तरीके से लड़ रहे होते, बहुत मारते हैं कुत्तों की तरह मारते मूरते चलते बनते हैं। सबसे बड़ी गलती ये जो लड़ रहे हैं ना, नाम नहीं लूंगी, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आ जाती है वो, इनकी वजह से ही वो बच्चे लड़ रहे होंगे। हाँ, उनमें से किसी की कुछ भी हुआ ना, इन्हीं की गलती है, सीधी सी बात है। और क्या, फालतू का लड़ाई तो ठीक है, तुम्हारी लड़ाई है तुम आपस में निपटा लो। और ये जो कास्ट के नाम पे फ्लैक्स दिखाते हो ना, बंद कर दो, अच्छी बात नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Full of pain, why don't you sing?